कवर गर्ल, आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और साउथ कोरियन मूवी को जिसका नाम है 2037। इस मूवी में हम जानेंगे 19 साल की एक लड़की के बारे में जिसका सबसे बड़ा सपना अपनी मोम के ना सुन पाने की कमी को दूर करके उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने का था, मगर उसके साथ एक बहुत बुरी घटना घटती है जिससे उसे अपने सपनों को भुलाना पड़ता है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक सुंदर लड़की योंगी को देखते हैं। वो स्कूल से घर आते वक्त अपनी मोम के लिए उनके फेवरेट राइस केक्स खरीद कर लाती है। दोस्तों, उसकी मोम भी उसकी तरह बहुत सुंदर दिखती है, मगर वो ना ही कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ ठीक से बोल सकती है। इसलिए यहाँ हम योंगी को अपने मोम से साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखते हैं। योंगी घर पे अपनी मोम को बाकी लोगों से बात करना सिखाने की कोशिश करती है, मगर उसकी मोम को ऐसा करना बहुत हार्ड और एम्बरेसिंग लगता है। इनके बीच इस बातचीत से हमें पता चलता है कि योंगी की मोम का नाम क्यूंग सुक है और उसके डैड इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए योंगी की मोम को टाइम के साथ आम लोगों से बात करना तो सीखना ही पड़ेगा। रात में सोते वक्त उसकी मोम को सांस लेने में तकलीफ होती थी। दोस्तों, योंगी ने अपनी मोम से एक बात छुपाई हुई थी कि अब वो स्कूल जाना बंद कर चुकी थी और उसकी जगह जॉब्स में टाइम देती थी, मगर योंगी सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी जिसमें उसकी स्कूल फ्रेंड्स भी उसकी काफी मदद किया करती थी। उसकी दोस्त उसे पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स शेयर किया करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगी की मोम सिलाई का काम क्या करती थी। जब उसकी मोम काम के बीच योंगी की सेंड की हुई फोटोज देख रही थी तो गलती से उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अगले दिन काम के वक्त उसकी मोम को खांसी हो रही थी और तभी दुकान का ओनर उसके लिए पानी लेकर जाता है। उसके बाद जब वो उसकी फोटोज फिर से देख रही थी तो ये ठरकी ओनर उसकी मोम से कहता है कि योंगी अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी मेरे साथ करवा दो, मैं उसे हर रात को खुश कर दूंगा। ये सुनते ही उसकी मोम इस लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद इसके चेहरे पे बदले की भावना साफ नजर आती है। वो लड़का योंगी की कॉफी शॉप पे जाकर सामान लेने के बहाने उसको गंदी नजरों से देखने की कोशिश करता हुआ दिखता है। अगले सीन में वो ठरकी ड्रिंक करते हुए दिखता है। रात के टाइम योंगी जब डरी हुई हालत में रोड पे चल रही होती है तो ये लड़का पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम को अंजाम देता है। बेचारी उसकी मोम उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब वो योंगी को कॉल करती है तो ये ठरकी योंगी को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वो उसकी मोम के साथ भी ऐसा ही करेगा और फिर उन्हें मार डालेगा। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो योंगी गुस्से में एक ईंट उठाकर उसके सिर पे जोर से मारती है और ऐसे ही कई बार उसके ऊपर वार करती है, जिसके बाद उस लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उस लड़के का मर्डर के लिए योंगी के खिलाफ केस बनता है और उसके डिफेंडर के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके दम पे वो इस केस को जीत सके। इसके अलावा योंगी के स्कूल का आई कार्ड भी कैंसिल हो चुका था, इसलिए उसे एडल्ट कैटेगरी के हिसाब से सजा मिलने वाली थी। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में योंगी अपनी मोम को उसके लिए कोई भी लॉयर हायर करने से मना कर देती है। कोर्ट में योंगी के डिफेंस में कोई ठोस सबूत नहीं थे जिसकी वजह से उसे 5 साल की जेल की सजा मिलती है। यहाँ बेचारी उसकी मोम को उसे मिली सजा जानने तक के लिए भी अपने साइड में बैठी लेडी से टाइप करवा कर पता चलता है। दोस्तों, मुझे इस सीन में उसकी मोम को रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगा। अगली सीन में योंगी जब जेल में अपने वार्ड में आती है तो वहाँ कुछ और कैदी भी मौजूद थे। योंगी गलती से इनमें से एक के ऊपर पैर लगा देती है और उसके बाद वो कैदी उसे बहुत मारती है। बाकी की औरतें बड़ी मुश्किल से योंगी को उससे लग करते हैं। रात को सब सो रहे होते हैं और बेचारी योंगी की रात रोते रोते बीतती है। अगली सुबह ये सभी अपने कमरे की सफाई करती है और उसके बाद सब एक साथ बातें करते करते खाना खाती है। इसी बीच वो योंगी को बताते हैं, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें भी हमारी तरह बड़ी मेहनत से सारा काम करना होगा ताकि तुम अपने लिए पैसे कमा सको। योंगी उनसे सवाल करती है कि यहाँ सबसे ज्यादा पैसे किस काम के मिलते हैं, तो जवाब में पिंक
यूनिफॉर्म में बैठी एक कैदी उसे बताती है कि यहाँ कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें बहुत सारे पैसे मिलते हो। यहाँ योंगी नोटिस करके उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी ही यूनिफॉर्म पिंक कलर की क्यों है। वेल, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इस पूरे जेल की सबसे अच्छी कैदी थी। कुछ देर बाद सभी कैदियों को एक गैरेज में ले जाया जाता है और उनकी अटेंडेंस ली जाती है। क्योंकि योंगी यहाँ नई थी इसलिए उसे एक आईडी दी जाती है। यहाँ योंगी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसे पुलिस से डांट भी पड़ती है। योंगी चुपचाप सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी और बाकी कैदी एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। वो बहुत शोर कर रहे थे इसलिए योंगी रोते हुए सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट करती है। रात के वक्त उनमें से एक औरत योंगी से बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसके बेटे को एक ड्रंक ड्राइवर ने गाड़ी से ठोक कर मार डाला था, मगर उसने उससे बदला लेने के लिए उस ड्राइवर का पूरा घर जला दिया था और इस इंसिडेंट में उसके घर के 5 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद योंगी अपनी मोम की तबीयत के बारे में पूछकर एक लेटर लिखती है। सुबह योंगी इस कमरे को अपने घर की तरह समझकर उसकी सफाई करती है और बाकी कैदी उसे देख के कंफ्यूज थे कि ये अचानक सफाई क्यों कर रही है। इसके बाद समय के साथ वो कारपेंटर का और कुछ और काम भी सीख जाती है और उसे यहाँ की आदत पड़ जाती है। एक दिन उसकी मॉम जेल में उससे मिलने आती है। वो उसके लिए उसका फेवरेट पिज्जा भी लेकर आई थी, मगर पुलिस इंस्पेक्टर उसे खाना अंदर ले जाने से मना कर देता है। योंगी से मिलने से पहले उसकी मॉम वॉशरूम में लगे मिरर के सामने खुश दिखने की और बिना साइन लैंग्वेज के बोलने की प्रैक्टिस भी करती है, मगर जैसे ही उनके सामने उनकी बच्ची आती है तो उनसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया जाता है और बात करते करते दोनों फूट फूट कर रोते हैं। ये सीन भी वाकई दिल को छू जाने वाला था। उनके जाने के बाद योंगी की तबीयत खराब होने लगती है। जब मेडिकल चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे इस बात से बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो जेल से भागने की कोशिश करती है मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके बाद उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद एक दूसरे से इस बारे में बात करने के बाद उनमें से उम्र में सबसे बड़ी कैदी सियोन उसके कमरे में आकर उससे बात करके उसे कंसोल करती है। जब योंगी उनके बीच आकर नीचे लेटी होती है तो वही गुस्से वाली कैदी योंगी को मारने की कोशिश करती है, मगर दूसरी कैदी उस गुस्से वाली कैदी से भिड़ जाती है। मगर ये गुस्से कैदी उसके पास्ट की बातें करके उसे इंसल्ट करती है और बात मारपीट तक बढ़ जाती है। कुछ देर बाद एक बार फिर वो सियोन उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर योंगी बस लाश की तरह पड़ी रहती है। इसके बाद वो अपनी मोम से भी मिलना बंद कर देती है। उसकी मोम कई बार उससे मिलने की उम्मीद में जेल के चक्कर काटती है, मगर हर बार उसे एक ही जवाब मिलता था कि योंगी तुमसे नहीं मिलना चाहती। एक रात जब वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो गुस्सेल कैदी एक बार फिर उसके ऊपर लातें चलाती है और जेल लाकर उन्हें अलग करती है। अगले सीन में कमरे के अंदर बाकी के कैदी योंगी को मीडिया की मदद लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी सारी बातें प्रेस को बताएगी तो उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। मगर योंगी को इस बात का डर था कि उसकी इस कंडीशन के बारे में अगर उसकी मॉम को भी पता चल गया तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। उसके पास रीट्रायल के वक्त जूरी से अपनी कंडीशन को बताकर अपनी सजा कम करने का आखिरी मौका बचा हुआ था और अब योंगी को भारी सामान उठाने के बजाय उसे मेडिकल रूम से दूसरा काम दिया जाता है। योंगी अपने मॉम को लेटर लिखकर बताती है कि मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, मगर काम करते वक्त अचानक उसका दर्द बढ़ता है। उसे चेकअप के लिए ले जाया जाता है और डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि वो 6 महीनों से प्रेग्नेंट है, मगर उसके बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि इस केस में माँ को बच्चा नहीं चाहिए था। रात के वक्त कमरे के बाकी कैदियों को उसके बच्चे की चिंता हो रही थी इसलिए वो योंगी को अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और उससे कोई काम भी नहीं करवाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी बीच उस गुस्से वाली कैदी को उसके डैड की कंस्ट्रक्शन साइट पे हुई मौत के बारे में पता चलता है और पुलिस को उसे बताती है कि उसके डैड ने उसके लिए $8,000 जमा कर रखे थे। इस सीन में पहली बार उस गुस्से कैदी को रोते हुए दिखाया जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद फाइनली योंगी ट्रायल के लिए कोर्ट जाती है।
फाइनली योंगी की सारी बातें और उसके साथ हुए जेल के अंदर के बर्ताव और उस ठरकी के किए दुष्कर्म के बारे में सुनने के बाद जज उसकी सजा को 5 सालों से घटाकर 1 साल की कर देते हैं। अब योंगी का पेट भी बाहर निकलता हुआ दिखता है और अब वो इस जेल के अंदर अपने कमरे के सभी कैदियों के साथ पहले से बेहतर तरह से घुल मिल गई थी। अब वो गुस्सेल कैदी भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख रही थी। उसके कमरे के कैदी अब उसके दोस्त बन चुके थे। वो उसके बच्चे के लिए नाम भी सोच रहे थे और उनमें से एक ने तो उसके लिए कपड़े भी सिले थे। अगली सीन में जब योंगी पुलिस इंस्पेक्टर के डेस्क की सफाई कर रही होती है तो वहाँ लगी फोटोज को देखकर उसे अपने खुद के सपने की याद आती है, क्योंकि वो खुद भी एक सिविल ऑफिसर बनना चाहती थी। कुछ और दिन बीतते हैं और एक दिन योंगी को बहुत तेज दर्द होता है और जब बाकी कैदी उसे कमरे में बेहोश देखते हैं तो फौरन उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ योंगी ने उन सभी के लिए लिखे हुए लेटर्स दरवाजे पे टांग दिए थे। उसके लेटर को पढ़कर वो सभी बहुत भावुक हो जाते हैं और उसमें उसने जो कुछ लिखा था उससे समझ आता है कि योंगी उन सभी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। वो लेटर पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां लंबे ऑपरेशन के बाद फाइनली योंगी ने एक बच्ची को जन्म दिया था, मगर वो खुद कोमा में चली गई थी। उसकी मॉम गिरते पड़ते अपनी बेटी को देखने उसके पास हॉस्पिटल जाती है और उनकी हालत भी बहुत खराब होने लगी थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी बेटी बोनी को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था और दूसरी तरफ योंगी के लिए गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू सर्टिफिकेट में उसकी फोटो भी थी और उसकी मॉम अब खुश नजर आ रही थी। ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी एंड आई होप कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसलिए प्लीज इसे अपना प्यार जरूर देना और ऐसी और मूवीज के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।